राजधानी में शनिवार को माहौल शांत रहा, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का हर चौक चौराहे पर लगातार निरीक्षण जारी रहा। लखनऊ के हर बड़े चौराहे पर पुलिस द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही आज डीजीपी ओपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बृहस्पतिवार के दंगों में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दंगे में बाहर के लोग भी शामिल थे। हालात सामान्य हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पे हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पुलिस प्रबंध को चाक चौकन्ना रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं वहाँ वहाँ हमारे स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियाँ कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हम उनको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक हमने विवेचकों की टीम बनाई है, वो टीम अपना निरीक्षण परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। प्रदर्शनकारियों की आड़ में पॉलिटिकल लोग भी थे क्या, इसलिए कि जांच बस आई है? हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। मोबाइल जो सीज किए गए हैं वहाँ से कुछ उसकी हम जांच करा रहे हैं। सर, बांग्लादेश से उसकी हम जांच करा रहे हैं। मैंने कहा कि विवेचना में हमारी टीम सभी एंगल्स को देख रही है, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बताया जाएगा। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक हिंसात्मक कार्रवाई की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बट साथ ही साथ हम किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नहीं गिरफ्तार करेंगे। जहाँ जहाँ स्थानीय प्रशासन ने उचित समझा इंटरनेट की सेवाएं उन्होंने सस्पेंड की हैं। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिससे हम इस इंटरनेट की सेवा को बंद करने की योजना को और बढ़ाएं। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तु स्थिति आपको हम शेयर करेंगे। अगर एनएसए गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। क्या बताइए? देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।